तो सवाल अभी पैदा होता है कि डू द गर्ल्स एवर फाइंड अ प्रिंस चार्मिंग। ये मैं खातिन से पर्टिकुलरली सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या होता है कि लड़कियों को प्रिंस चार्मिंग मिल जाता है आपके मुशाहिदे में, ऐसा है? सर हिलाते हुए इनकार कर दिया, साथ में कहा। अच्छा दूसरा सवाल अब लड़कों से कि डू द बॉयज एवर फाइंड द ब्यूटी दे वर लुकिंग फॉर? यस ऑफ कोर्स यार, मतलब आपकी तो डिमांड ही है कि ना, वो तो उनके मसले थे कि उनको इतनी लंबी लिस्ट थी, वो काम से मिलेगी उनको कि हैंडसम भी हो, फला भी हो, डबका भी, वो तो बहुत लंबी लिस्ट थी, आपकी तो जाना बेचारी लिस्ट ही एक थी। तो पॉइंट इज कि मैं आपको दोनों साइड में बताता हूं कि उस लड़की के बारे में जिसको प्रिंस चार्मिंग मिल गया और उस लड़के के बारे में जिसको अपनी ड्रीम प्रिंसेस मिल गई। एक हमारे जानने वाले थे जिनमें लड़की थी, उसकी शादी हुई और वो शादी जो है वो किससे हुई, एक लड़का था जो बड़ा हैंडसम था, इंग्लैंड में उसका बिजनेस था, मर्सिडीज यहाँ पे गाड़ी उसने रखी हुई थी और वेल सेटल्ड। तो उसका रिश्ता जब आया तो इसके माँ बाप ने जब देखा कि जी लड़का भी बड़ा हैंडसम है, मर्सिडीज चलाता है, इंग्लैंड में उसका बिजनेस है, वहीं पे सेटल्ड है वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे वारे न्यारे हो गए, उन्होंने फौरन से कबूल है कर दिया जी। अच्छा लड़की भी बड़ी खुश हुई, लड़की की सहेलियों ने भी उसको बड़ा कहा कि भाई तुम तो कितनी लकी निकली कि तुम्हारा इतना अच्छा हस्बैंड हो सारा कुछ। तो ये एक ड्रीम वेडिंग की सूरत हाल हो गई और ये वेडिंग जो है तकरीबन एक महीना चलती रही, मतलब उसमें वो होता ना कि मेहंदी वन, मेहंदी टू, फिर माइयों वन, माइयों टू, फिर पता नहीं क्या कुछ, पता नहीं क्या हुआ, एक महीना वो ढोलकी चुराई और पता नहीं कितने कितने उन्होंने जो है ना फंक्शन कर दिए। फाइनली जब वो खत्म हुई तो एक महीने के बाद कोई वीजा प्रोसेसिंग का सिस्टम चला, उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ इंग्लैंड चलेगी। और हर बंदा ये कहता है कि जी ड्रीम वेडिंग है, ड्रीम वेडिंग है, दिस इज मेंट टू बी, क्योंकि मतलब लड़की भी जो ना मतलब काफी खुशअकल थी और लड़का भी हैंडसम था, दोनों की बड़ा बड़ा जबरदस्त पेयर था। अच्छा जब इंग्लैंड चली गई हुआ ये कि वो वहां जाके पता चला कि ये वैसा नहीं था जैसा ये सोच रहे थे, पता चला कि ये अल्कोहलिक था, बहुत मतलब शराबी था, वुमनाइजर था, इसके मुख्तलिफ लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे थे और ये अपनी वाइफ को मारता भी था। और इसने क्या किया कि वहां जाते ही सबसे पहले उसका वीजा छीन लिया, जो उसका पासपोर्ट छीन लिया, वो अपने पास अलमारी में रख दिया। और उसने क्या किया कि उसके बाद उसने उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, वो अपने फैमिली में अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहता था। उसने क्या किया, दोनों को बता दिया कि जी ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, अगर जाएगी हमारे साथ ही जाएगी, इसके अलावा इजाजत नहीं, और मार पीटता था और अपनी बेल्ट से मारता था। अक्सर औकात में गुस्से में आता क्योंकि जब शुरू शुरू में शादी हुई तो वो जब घर आता और वो अपने अफेयर छुपाता भी नहीं था, लड़कियां कॉलिंग कर रही हैं वो बीवी के सामने बातें कर रहे हैं कि इतने बजे मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो गुस्से होती, लड़ती, चीखती, चिल्लाती, वो उसको आगे से मारता कि तो बहुत ही कौन ही करे वाले, बहुत ही जालिम आदमी थे। अच्छा हुआ ये कि कुछ महीने गुजरने के बाद और मारे खाने के बाद, अच्छा जब होता ये कि जब वो इस लड़की के पास अपना मोबाइल फोन नहीं था, मोबाइल फोन तक नहीं दिया उसको, लैंडलाइन थी जिससे वो कॉल करती थी और जब भी लैंडलाइन से जो है ना वो बात करती तो होता ये कि वो सामने या तो सास बैठी होती या भैनोई बैठा होता और वो बीच में, वो जब भी अब्बा जान का जो है ना फोन आता तो कहते हैं बेटा कैसी हो, खैरियत से, हम तुम्हें बड़ा मिस कर रहे हैं, कहते सब ठीक है, सब सही है, क्योंकि पासपोर्ट भी उसने छुपा के रखा हुआ है और आप झूठ मतलब कुछ भी बोलेंगे तो ये तो पकड़ के और मारेंगे, तो वो बताती भी नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि इसको ना हस्बैंड ने रात को मारा था और इसकी आंख पे, यानी आमतौर पे वो उसको फेस पे नहीं हिट करता था क्योंकि उसको पता था कि कोई अगर मेहमान वगैरह आ गए तो फेस पे अगर ब्रूजेज हो तो पूछेंगे भाई ये क्या हो रहा है। तो उस दिन उसकी लड़ाई हुई तो उसने इसकी आंख पे मारा था, इसकी पूरी आंख सूजी हुई थी। तो उसने क्या किया, घर के अंदर उसने ना ग्लासेस पहने हुए, बड़े ग्लासेस, तो उस लड़के की कजन जो थी वो मिलने के लिए आई सुबह के टाइम, वो एक्चुअली NHS वहां पे है, नेशनल हेल्थ सर्विस, वहां पे नर्स थी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्स थी। उसने कहा कि भाजी ये क्या आप घर के अंदर ये सनग्लासेस पहन के घूम रही? उसने कहा असल में ना वो मुझे ना एक स्टाई निकली हुई है, इन्फेक्शियस है वो, उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाया, मैं नर्स हूँ, मैं देखती हूँ उसमें क्या है। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, वो खैर है, कहते छोड़े परे जाते। उसने एकदम से हाथ आगे करा के ना इनके उनकी छीन ली, छीनी तो देखा इतना बड़ा ब्रूज पड़ा हुआ है और आंख सूजी हुई है। तो उसने कहा भाजी सच सच बताइए क्या है? तो उसने कहा कि असल में ना वो सुबह मैं उठी हूँ तो वो अलमारी खोली ना तो उसका साइड पे कोना मुझे लग गया। तो उस लड़की ने कहा कि आपने मुझे बच्चा समझा, मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्स हूँ, मैंने आई नो कि ये आपको किसी ने मारा है, और कहती मुझे यकीन है कि ये आपके हस्बैंड ने यहाँ पे आ लिखा है। तो उन्होंने कहा कि तुम साइड पे आ जाओ, साइड पे उसको ड्राइंग रूम में ले गई और कहती है कि असल में वाकई में यह कि मेरे साथ ये तशद्दुद चल रहा है, और उसने अपना बाजू दिखाया, टांग पांव वगैरह दिखाया, कितना ज़्यादा जख्मी थी। और ने कहा ये तो आमतौर पर मारता नहीं है लेकिन कल उसने रात को मारा, तो इसलिए मैंने ग्लासेस पहनी, वरना ये मुझे फेस पे हिट नहीं करता आमतौर पर, क्योंकि इसको पता कि कोई मेहमान आ गया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा।
तो उसकी जो कज़न थी उसने कहा कि मुझे यकीन था कि ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि असल में ना यहाँ पे तो कुछ पूछता नहीं है, इंग्लैंड में सारे इसको जानते हैं, सबको पता है ये दो नंबर आदमी है, वुमनाइजर है, अल्कोहलिक है, बदतरीन अखलाक इसका है, बदतरीन किरदार इसका है, यहाँ तो कोई पागल ही अपनी बेटी इसको देगा। तो इसीलिए जानबूझ के पाकिस्तान गया है और आपसे शादी का क्या, क्योंकि वहाँ पे इसको पता था, जानता ही कोई नहीं है, तो मैं जाके अपनी कहानियाँ सुनाऊंगा कि जी बिजनेस है, ये है, वो है, लोग इसकी बिजनेस गाड़ी शाड़ी देख के इंप्रेस हो जाएंगे और अपनी बेटी इसके हवाले कर देंगे। तो कहती है मुझे यकीन था कि ये किसी की ज़िंदगी तबाह करेगा। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, आप जो भी कुछ करना चाहती हैं आप किसी तरीके से अपना पासपोर्ट वापस ले लें, मैं आपका टिकट करवाती हूँ, आप भागे यहाँ से। अब उसने क्या किया, एक दिन रात को वही हस्बैंड जब घर आया, रात ये कोई 2:30 बजे घर पहुंचा, ड्रंक हालत में बिल्कुल फारिग, तो उसने क्या किया, उसके बटवे, उसकी चाबी ना बटवे के अंदर होती थी, बटवे में एक कंपार्टमेंट है उसके अंदर चाबी छुपी हुई थी, उसने वो बिल्कुल आउट था, उसने उसके पीछे से बटवा निकाला, उसमें से चाबी निकाल के दराज खोल के अपना पासपोर्ट निकाला, चाबी वापस रख के उसकी बैक पॉकेट में डाल दी। जब सुबह वो उठा उसको पता भी नहीं चला हुआ क्या। अच्छा, उसने फिर उसको अपनी कज़न को कॉल करके बता दिया कि मैंने पासपोर्ट ले लिया, आप बाकी अरेंजमेंट्स करें। उसने क्या किया, टिकट विकेट बुक कराया, 3 दिन के अंदर फ्लाइट उसकी जो है ना पता चल गया कि 3 दिन के बाद आपकी फ्लाइट है, सारी पेमेंट लड़की ने खुद की NHS वाली ने, और फिर अब इसके भागने का टाइम आया। तो सुबह की फ्लाइट थी, कोई जो है सुबह 9-10 बजे की फ्लाइट थी, हस्बैंड काम पे जा चुका था, ये नीचे इसका जो पोर्शन था ना वो ऊपर वाला पोर्शन था, नीचे वाले पोर्शन में वो जो माँ और बेटा वगैरह रहते थे, ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना इसका कमरा था। लिटरली सीन ये हुआ कि बाहर वो टैक्सी लेके आए हैं, वो लड़की NHS वाली जो है वो टैक्सी लेके आई है, इसने फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार के उतरी है, क्योंकि मेन डोर से जाना पॉसिबल नहीं था, वो हमेशा लॉक होता था, चाबी इसके पास नहीं थी, वो अंदर से लॉक कर देते थे, चाबी अपने पास रखते थे, इसने फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से छलांग मारी और क्या लेके भागी, सिर्फ एक हैंडबैग जिसमें कुछ ज्वेलरी से रखी थी, उसकी सबसे महंगी ज्वेलरी थी, बाकी ज्वेलरी भी छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिए, जूते, हैंडबैग, पर्सेस, जो कुछ था सामान, सब कुछ मेकअप शेकअप सब छोड़ दिया, एक बैग लेके अपनी जान बचाते हुए वहां से भागी है। और फिर जब वो फ्लाइट लेके वापस पहुंची, 8 घंटे की फ्लाइट, By the time she reached Pakistan, वही हस्बैंड तो लेट एज यूजुअल घर दाखिल हो रहा था, वो घर आया, उसने मां से पूछा भाई किधर है सुबह से, क्या उसने कहा कोई नहीं अपने कमरे में बंद है, अंदर की कोई रोश हो रही होगी ऐसी क्या है, वो अंदर गया, उसने नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला, उसने दरवाजा किक मार के तोड़ के अंदर घुसा, अंदर जब तो पता चला वो गायब है, खिड़की खुली हुई है, उसको लगा कि ये जो है ना पाकिस्तान नहीं की होगी, कहीं यहीं कहीं भागी है, मतलब हो सकता है किसी और शहर चली गई हो, किसी होटल में ठहर गई हो, लेकिन जब इसने अपना दराज खोल के चेक किया कि जी पासपोर्ट गायब है, तब उसको शक पड़ा कि लगता है शायद चली गई हो, इसने डरते डरते पाकिस्तान कॉल कर दी, अब तक तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुकी थी, जब इसने कॉल की तो आगे जो अंकल ने फोन उठाया जो लड़की के फादर थे, और इसने बड़े तमीज से सवाल की कि जी वो, मैंने कहा वैसे आपसे हाल पूछूं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले तो उसको खूब गालियां निकाली और कहा कि तुम यहाँ पे पाकिस्तान में कदम रखो, आई डेयर यू, तुम यहाँ पे लैंड होकर दिखाओ जरा मुझे कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या, तुम्हें उठा के ऐसा गायब कराऊंगा तुम्हें समझ नहीं आएगी तुम्हारे साथ हुआ क्या, कि हमने तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा दिया है और तुमने इसको किया क्या इसके साथ, मतलब वो लड़की जो है वो पहले बेचारी मतलब दुबली पतली थी, वो और आधी हो गई है, जैसे कोई एनोरेक्सिक पेशेंट है, और ऊपर से मारे ब्रूसेस इतने उसको पड़े हुए कि तुमने मेरी बेटी के साथ किया क्या। आप देखें कि किसी के साथ अगर जब इंसान रिश्ता करता ना तो माल देखना कोई ऐब नहीं है, शक्ल देखना कोई ऐब नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे पहले इंसान का दीन देखो। आपने फरमाया लड़की से शादी हो सकती है उसके ली माल ही हा, उसका माल देखा जा सकता है, ली जमाल ही हा, उसकी खूबसूरती देखी जा सकती है, ली हसब ही हा, उसका हसब नजर देखा जा सकता है, ली दीन ही हा, उसका दीन देखा जा सकता है। तो आपने कहा कि सबसे पहले इंसान का दीन देखो, दीन से मुराद सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, उसका अखलाक भी है, किरदार है उसका, उसका यानी क्या वो दुनियादार आदमी है, मटीरियलिस्टिक आदमी है, या अल्लाह से डरने वाला है। अगर वो अल्लाह से डरने वाला है या डरने वाली है तो कभी आपके साथ ज्यादती और जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने लौट के अल्लाह के पास जाना है, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने आया भी अल्लाह की तरफ से हूं, जाना भी उधर है, मैंने कल उसके सामने हिसाब देना है। फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वो मन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, मैंने जो जरा बराबर खैर किया होगा वो क़यामत के दिन सामने आएगा, और जो जरा बराबर शर किया होगा वो भी आएगा। इसलिए कहा सबसे पहले दीन देखो, वरना शक्ल देखना बाकी चीजें देखना बुरी बात नहीं है, जरूर देखो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना अखलाक और किरदार है। मसला ये है कि जितनी भी स्टोरीज हम पढ़ते आ रहे हैं उन सब में शक्ल के अलावा कुछ नहीं है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। तो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे मटीरियल वेल्थ और पोजेशन और शक्ल और सूरत जो है ना जाहिरी रख रखाव बहुत ज्यादा बड़ी चीज बन चुका है। लड़कियों के दबाव से जो मैंने कहा था कि डू द बॉयज एवर फाइंड द ब्यूटी दे वर लुकिंग फॉर, हमारे जानने वालों में ही मेरी दादी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, पढ़ी लिखी खातून थी, तो उनके पास अक्सर ना आंटियां वगैरह आती थी
सवाल जवाब करने के लिए, मसले मसाइल पूछने के लिए, ऐसे ही मतलब दीनी मसाइल नहीं, वैसे ही दुनियावी मसाइल कि जी बेटा आजकल बड़ा तंग कर रहा है, बेटी का ये मसला हो गया। तो एक खातून आई, वो हमारे जाने वाले में थी, नेबर्स में रहती थी कुछ एक दो गलियां छोड़ के, तो वो जनरल साहब की वाइफ थी। जनरल साहब का इंतकाल हो गया, जनरल साहब का इंतकाल हुआ, पीछे उन्होंने एक ही बेटा था उनका बस 25 साल का। तो ये हमारे पास आई, मेरी दादी माँ से पूछती है कि भाई वो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी जो है ना अपने जीते जी करवा दूँ, तो आप कोई अगर लड़की अपने खानदान में या कोई और अगर आपके जहन में हो, नजर में हो, तो बताइएगा। तो मेरी दादी मैंने कहा कि आप लड़के से उसकी रिक्वायरमेंट पूछ लें, उसके मुताबिक हम देख लेते हैं और अल्लाह बेहतरी करेगा। तो क्या हुआ कि ये गई और फिर एक दो दिन के बाद वापस आई कि हाँ मैंने रिक्वायरमेंट पूछ ली। अच्छा, मेरी दादी माँ को आदत थी नोट टेकिंग की, नोट्स लेती। उन्होंने क्या किया, उनका जी बताइए। उन्होंने कहा हाँ जी बताएं। उनका जी वो लड़की जो है वो इंतहा की खूबसूरत हो। तो अच्छा, लड़की जो है वो इंतहा की खूबसूरत हो, और जी और ये कि बिल्कुल जो है ना वो दुबली पतली सी चाहिए बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कोई झाड़ू की तीली चले, क्यों हाँ जी झाड़ू की, झाड़ू की तीली नुमा पतली लड़की चाहिए। और जी कोई और रिक्वायरमेंट? उनका हाँ जी एक और रिक्वायरमेंट ये कि कद उसका जो है ना वो कम से कम 5 फुट 10 इंच होना चाहिए। तो मेरी दादी ने कहा कि लड़की जो है ये लोकल चाहिए या इथियोपिया से इंपोर्ट करानी है? नहीं जी लोकल ही चाहिए। अच्छा, लोकल लोकल माल होना चाहिए। अच्छा जी सही हो गया, और कोई टेंशन नहीं जी, बस ये इतनी इतना काफी। अच्छा ठीक है। अच्छा आप यकीन करेंगे कि अल्लाह अकबर ऐसी लड़की रावलपिंडी इस्लामाबाद से बरामद हो गई। कमाल, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत की बात नहीं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो ये लड़की बरामद हो गई, हम भी बड़े हैरान गए, भाई कमाल है, मतलब ये तो भाई बेसिकली दिस गाय वाज लुकिंग फॉर अ सुपर मॉडल कि 5 फुट 10 इंच दुबली पतली इंतहा दर्जे की खूबसूरत। ये अच्छा खुद वो इतना कोई हसीनो जमील नहीं था, लेकिन उसके पास पॉजिटिव क्या था, उसके पास कि अब्बा जान फोत हुए हैं तो विरासत का मैक्सिमम हिस्सा इसके खाते में गया। रातों रात ये करोड़पति हो गया, रातों रात करोड़पति हो गया, क्योंकि 25 साल का लड़का था, अब्बा जान चले गए, मैक्सिमम हिस्सा, ना कोई बहन ना कोई भाई, फैमिली मेंबर्स भी कोई खास नहीं थे, सारा मैक्सिमम हिस्सा इसके पास आ गया। तो ये रातों रात अमीर हुआ, उसने कहा जी ठीक है मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हें ये मेरी डिमांड है। अच्छा खैर ये लड़की बरामद होगी, शादी होगी जी बहुत जबरदस्त धूमधाम तरीके से। अच्छा हुआ ये कि 3 महीने के अंदर अंदर उस लड़की ने इसको अल्टीमेटम दे दिया कि जी या तो इस घर में तुम्हारी मां रहेगी या मैं रहूंगी, फैसला कर लो। चूंकि ये वफादार था, इसने अपनी अम्मी को जाके क्या बड़े प्यार से कहा कि अम्मी आप घर से बाहर निकल जाओ। तो ये वफादार बीवी का था, मां का नहीं था। तो इसने कहा अम्मी को कहा कि आप घर से बाहर निकल जाए। इसकी माँ हमारे पास दादी के पास आके रोया करती थी कि जिस बच्चे को मैंने 25 साल में पाला है ना, वो 25 दिन में दूसरी लड़की ने आकर उसका दिमाग फेर दिया और उसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। और इसके बाद पता क्या हुआ, 1.5 साल के बाद डिवोर्स हो गई। जो अपनी माँ को नहीं रख सका वो बीवी को रखेगा, जिसने माँ को एक दिन में फारिग किया है वो बीवी के साथ क्या करेगा? बीवी ने जब पता चला उसकी असलियत सामने आई, उसने कहा भाई तुम भी छुट्टी करेगा। सो पॉइंट इज के ही गॉट द ब्यूटी ही वाज लुकिंग फॉर, ही फाउंड द ब्यूटी बट ही डिडंट लुक फॉर एनीथिंग एल्स। उसने ब्यूटी के अलावा कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं था, अखलाक किरदार मैनर्स कुछ नहीं। तो ये क्या है, ये वो मसला है जिसपे आज हमारी कौम फंसी हुई है कि जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमें ये नहीं पता कि रिश्ते में देखना क्या होता है। अब ये जुमला जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो कि अक्सर किताबों के आखिर में आता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर द एंड, उर्दू में लिखा होता है, और फिर वो यूं ही हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। बड़ा मजा आता है ये जुमला पढ़ के। मैं भी जब मुझे एक्चुअली चैन नहीं आता जब तक ये जुमला ना पढ़ लूं किसी किताब के आखिर। अगर किसी किताब में हो ना कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो शुक्र है अल्लाह का बड़ा शुक्र हैप्पीली एवर आफ्टर, वरना अगर एंड में लिखा हुआ है ना कि और फिर यूं वो मर गया दी एंड, मतलब तो ये किस किस्म की 2 नंबर मेड इन चाइना लव स्टोरी थी? बंदा ही मार दिया आपने यार, अच्छा बड़ा लव स्टोरी चल रही थी आपने बता जो है ना मार दिया, ये क्या किया? तो बड़ा बंदे को तकलीफ होती है, बंदा जैसे कहता है किताब फाड़ दे क्योंकि पैसे पूरे नहीं हुए ना भाई, ये तो बंदा ही मार दिया आपने, कहानी को तो हैप्पी एंडिंग होती, मैं भी जरा सुकून में होता कि चलो भाई अच्छा अंजाम होता है प्यार का। तो पॉइंट इज कि हम लोग ये चीज देखते हैं, मैं जब सोचता हूँ हैप्पीली एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो हमेशा हमेशा के लिए खुश हो गए, हमेशा हमेशा के लिए, वाह। मैं सोचता हूं पता नहीं हमेशा रोजाना खेतों में छलांगे मारते होंगे, लॉन्ग जंप के मुकाबले हो रहे हैं, यहां से कूद के उधर गए ला 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 ला, फिर वापस आए ला 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 ला, माल रोड पे भाग रहे हैं हाथों में हाथ लिए, ट्रैफिक सारी रोक दी है लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि सारे इनकी लव स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं ना।
ऊपर से कैमरा घूमा, इन्होंने डांस शुरू कर दिया, मेन चौक में डांस शुरू कर दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि 50 बंदे इनके साथ मिलकर डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनको भी वो सारे स्टेप्स आते हैं जो इनको आते हैं। और फिर लिखा होता है दी एंड, आप कहते यार कमाल हो, कमाल, ये है लव स्टोरी। तो मैं से सवाल करूँ, क्या ये असल में होता है? अच्छा घर जाके पूछना अब्बा जानते अब अबू को लास्ट टाइम आपने लॉन्ग जम्प का मुकाबला कब हुआ था मेरे साथ, तो हो सकता है मार पड़ जाके। तो बात यह कि ये असल में होता नहीं है। असल में जब हम कहते हैं ना कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, हमेशा हमेशा के लिए खुश हो गए, तो भाई जो दुनिया खुद से आरजी है उसमें हैप्पीली एवर आफ्टर कैसे हो गया? जो दुनिया वैसे फना हो जाने वाली है उसमें एवर आफ्टर कहां से आ गया? हाँ, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में हेयर आफ्टर का जिक्र जरूर करते हैं कि एक हेयर आफ्टर है, इस जहां के बाद एक और जहां है जिसका जिक्र अल्लाह ताला करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, फाइजा जाअतिस्साखा, जिस दिन वो दर्दनाक चीख की आवाज आएगी, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, उस दिन क्या होगा? यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। उस दिन क्या होगा? एक शख्स जो है वो अपने भाई से भागेगा, वो भाई जो उसका दाया बाजू था उससे आज भाग रहा है, अपनी माँ से भाग रहा है जिसको लोरिया सुनाती थी, वो बाप जो उसकी ट्यूशन की फीस देता था उससे भाग रहा है, अपनी बीवी और बच्चों से भाग रहा है जिनको ये कहता था कि मैं तेरे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और जिन बच्चों की तस्वीरें ये अपने मोबाइल में लेके घूमता था, आज उनसे भाग रहा है, क्योंकि उसको पता कि मैंने इनको राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, इनकी खैर और खिदमत करने के लिए मैंने हराम जरिया अपनाया, और मैं नहीं चाहता कि आज ये जो है ना मेरे खिलाफ गवाही दे दे कि अल्लाह इसको पकड़, इसने हमें हराम खिलाया था। और रिजालु कवामून अला निसा, मर्दों को कवाम रहना घर में, कहा तुम खाना लेके बन, खाने का बंदोबस्त तुम करोगे, यू आर द ब्रेड अर्नर, रिस्क तुम प्रोवाइड करोगे घर में। अब किया दो नंबर तरीके से, अब ये भाग रहा है उनसे, फैमिली के साथ जो जाती है कि आज उनके सामने फेस नहीं करना चाहता हूँ, भाग रहे, क्योंकि उनको पता कि उन्होंने अगर मेरे खिलाफ गवाही दे दी आज तो मैं झगड़े में चला जाऊँ। यो मयफिर उल मर उम्मी ही व उम्मी ही व अभी ही व साहिबती ही, अपने सगों से भाग रहे हैं।